नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। राखी यानी रक्षा सूत्र हाथ में कितने दिन तक बांधनी चाहिए, किस दिन इन राखियों को उतार देना रहता है शुभ। अगर आप भी इस दिन तक राखी पहन करके रखते हैं तो ये आपके लिए होता है बहुत ही अशुभ। जी हां मित्रों, रक्षाबंधन तो चला गया मगर राखी आप लोगों के हाथ में अभी भी बंधी हुई है और आपको आज तक ये भी नहीं पता कि राखी को कितने दिन तक बांधना चाहिए, किस दिन राखी को खोल देना चाहिए और फिर उस पहनी हुई राखी को उतारने के बाद उसका क्या करना चाहिए। क्या आपने सोचा है इसके बारे में कभी नहीं ना? बहुत से लोग तो राखी को पूरे साल बांध करके रखते हैं मगर आपको बता दें ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राखी यानी रक्षा सूत्र को बांधने का भी एक निश्चित समय होता है। जी हां मित्रों, रक्षाबंधन के बाद अक्सर लोग राखी को निकालकर इधर उधर रख देते हैं लेकिन ऐसा करना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। जाने राखी कब उतारें, इसे कहां रखना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन धूमधाम से मनाते हैं, कुछ लोग रक्षाबंधन वाले दिन राखी नहीं बांध पाते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर भी इस त्योहार को मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर बहनें उसके सुखी जीवन की कामना करती हैं और भाई बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। मित्रों आपको बता दें ये रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं बल्कि पवित्र रिश्ते की डोर है जो प्यार विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। राखी के बाद अक्सर लोग राखी निकालकर इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं। जाने राखी कब उतारनी चाहिए, रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि रक्षाबंधन के बाद राखी को कब उतारें और उस राखी को रक्षा सूत्र को उतार करके उसका क्या करें। तो आइए जानते हैं, रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने का कोई दिन या समय निश्चित नहीं है। मान्यताओं के अनुसार राखी पहनने के 24 घंटे बाद इसे उतार सकते हैं। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारने की परंपरा है, वहीं कई लोग राखी साल भर पहने रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना गया है। ध्यान रखें कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले जरूर राखी उतार दें। माना जाता है कि इस दौरान यदि आप राखी पहनते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है, इसका जीवन पर बुरा असर पड़ जाता है। जी हाँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें और राखी को आप पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के शुरू होने से पहले तो उतार ही दें। अब बात करते हैं मित्रों कि राखी यानी रक्षा सूत्र का उतारने के बाद आखिर क्या करें, उसे संभाल करके रखें या फिर ऐसे ही कहीं भी डाल दें। तो आपको बता दें मित्रों, राखी बेहद पवित्र धागा होती है। इसे कलाई से उतारने के बाद इसका विसर्जन करना बेहतर होता है। अगर आप राखी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर पेडच की जड़त में इसे गाडच दें। वहीं अगर आपकी राखी टूट गई है तो इसे बहते पानी में प्रवाहित कर देना उचित रहेगा। इधर उधर फेंके नहीं, इससे दोष लगता है। किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे रख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जन्हा भी आप राखी रखें, इसके साथ एक रुपए का सिक्का भी रखें। तो मित्रों ये थी वो खास जानकारी जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि राखी जैसी पवित्र चीज जिसको बांधने के लिए आप एक शुभ समय का इंतजार करते हैं तो उस पवित्र चीज को आप कभी भी ऐसे ही ना पटकें। वो एक रक्षा सूत्र का धागा है, उसको पूरा सम्मान दें और सही तरीके से पहले जब तक पहने उसके बाद आप पितृपक्ष से पहले उसको उतार करके वीडियो में बताए गए तरीके से उसको सम्मान दें। तो मित्रों ये बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप राखी को कितने दिन तक पहनते हैं और किस दिन रक्षा सूत्र को उतार करके कन्हा रखते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।